हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा लूजिंग मिंगजिया को गोद में उठा लेता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मॉर्निंग में मिंगजिया उठती है और दूसरी साइड लूजिंग को देखती है। लूजिंग मिंगजिया को ही देख रहा था, ये देखकर वो शर्मा जाती है और दूसरी साइड अपना चेहरा कर लेती है। बाद में मिंगजिया को याद आता है कि रात में दोनों के बीच में क्या हुआ था और जोर से चिल्लाती है। लूजिंग कहता है धीरे, बाकी सब सुन लेंगे। लूजिंग को बास्टर कहती है और कहती है तुमने मेरा फायदा उठाया है। लूजिंग मिंगजिया के करीब जाता है तो मिंगजिया को लगता है कि वो किस करेगा तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लूजिंग जानबूझकर इतना क्लोज होके पास पड़े तावल को लेके वहां से शावर लेने चला जाता है। मिंगजिया का पोपट हो जाता है। मिंगजिया बाथरूम के बाहर लूजिंग का वेट करती है। वो कहती है उसके दोस्त के साथ बाहर जा रही है। लूजिंग भी उसको अपने करीब लाता है और नेक पर बाइट करता है और निशान छोड़ता और कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरे सीन में वो अपने नेक को कवर करके सबसे छुपते छुपाते अपने ऑफिस जाती है और उसको लगता है किसी ने उसके नेक को देखा नहीं, बच गई। पर क्रे वहीं पर खड़ा था और कहता है इतनी गर्मी में तुमने नेक क्यों कवर किया। मिंगजिया कहती है मुझे गर्मी नहीं लग रही। क्रेग गुस्से में उसका स्कार्फ खींचता है और कहता है आई होप तुम्हें अपना मिशन याद है। मिंगजिया कहती है उसे मिशन याद है और उसको जरूर पूरा करेगी और वहां से जाने लगती है। क्रेग चेतावनी देता है कि लव बाइट की वजह से लूजिंग से प्यार मत कर लेना। इधर क्रेग को एक खबर मिलती है कि लूजिंग की किसी के साथ मीटिंग होने वाली है तो क्रे भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। दूसरी साइड लूजिंग डील करके वापस आता है। क्रे जानबूझकर लूजिंग के साथ टकराता है। दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे पर हंसते हैं। फिर क्रे उस आदमी के पास जाता है जिससे लूजिंग ने डील करी होती है। उसे अपना पुलिस वाला कार्ड दिखाकर सभी इंफॉर्मेशन लेने लगता है और मन में विश करता है कि मिंगजिया लूजिंग को अच्छे से अपने प्यार के जाल में फंसाए और अपना काम निकाले। मिंगजिया लूजिंग के घर वापस जाती है और उसे पटाने के लिए कुछ सोचने लगती है। फिर याद आता है कि हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। मिंगजिया कॉल करके पूछती है वो कब तक घर लौटने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ये सुनकर लूजिंग खुश हो जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है जल्दी घर पहुंच जाएगा। वापस जाने के बाद वो देखता है मिंगजिया ने सिर्फ दो ही डिश बनाई थी। उसे लगा कोई अच्छी डिशेस बनाई होगी। मिंगजिया खाने को कहती है। लूजिंग भी बड़े प्यार से खाने लगता है। जाहिर सी बात है उसे अच्छी लगेगी। मिंगजिया ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया था। मिंगजिया पूछती है कैसा बना है। लूजिंग कहता है बहुत अच्छा बना है। फिर लूजिंग की एक्स गर्लफ्रेंड सी वहां पर आती है। मिंगजिया को लूजिंग के साथ देखकर वो सोचती है कि जरूर उसकी न्यू नानी होगी। लूजिंग कहता है नो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और पास में पड़े वाइन का ग्लास उठा के मिंगजिया के ऊपर फेंकती है। उसकी ये हरकत देख कर लूजिंग गुस्सा हो जाता है पर मिंगजिया रोक लेती है। मिंगजिया सी के करीब जाती है और दूसरा वाइन का ग्लास सी पर फेंकती है। सी भी गुस्से में मिंगजिया पर हाथ उठाने जाती है पर मिंगजिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सी लूजिंग से फरियाद करती है। लूजिंग मिंगजिया को अंदर जाने को बोलता है। सी कहती है तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। पर लूजिंग कहता है आज के बाद मैं वाइन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और वहां से चला जाता है। सी अपना सारा गुस्सा अपने ड्रेस पर निकालती है। फिर गुस्से में किसी को कॉल करती है और मिंगजिया की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। मिंगजिया सावल लेके बाहर निकलती है और सोचती है उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। पर लूजिंग तो बाहर ही वेट कर रहा था और मिंगजिया के बाल ड्राई करने लगता है। लूजिंग कहता है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और कहता है वो मेरे बिग ब्रदर की गर्लफ्रेंड है। मिंगजिया को ये सारा ड्रम बहुत एक्साइटिंग लगता है। लूजिंग पकड़कर अपने पास लाता है और किस करने जाता है पर मिंगजिया अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा है तो सबको लगता है मैं तुम्हारी नानी हूँ।
ये सुनकर लूजिंग मिंगजिया को जहाँ भी जाता है अपने साथ ले जाता है। पहले दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपकीपर को कहता है उसको जो भी पसंद आए सारी चीजें पैक कर दो। मिंगजिया भी कई सारे कपड़े लेती है। लास्ट में एक व्हाइट ड्रेस पहनकर लूजिंग के सामने आती है। लूजिंग उसको देखते रह जाता है, अपने करीब लाता है और कहता है आज रात तुमको जो भी चाहिए मैं सारी विश पूरी करूंगा, और अपने साथ बार पर ले जाता है क्योंकि लूजिंग चाहता है कि सबको पता चले कि मिंगजिया उसकी नानी नहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड है। बार में एंटर होते ही एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाते दिखाया जाता है, जिसे देखकर मिंगजिया को बहुत गुस्सा आता है और उसको छुड़वाने जाती है, पर लूजिंग रोक लेता है और कहता है मैं देख लूंगा और तुम यहीं पर वेट करो। अंदर जाके देखता है तो वो आदमी गर्ल्स को थप्पड़ मार रहा था और दूसरा आदमी ये सीन एंजॉय कर रहा था। लूजिंग को देखकर वो रुक जाता है और दौड़ के प्रेसिडेंट ली बोलकर उसके पास आता है। लू स्माइल करता है और कई सारे ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और उसको पीने को कहता है, पर वो आदमी ऐसा करने के लिए मना करता है और उसको छोड़ने को कहता है, पर लूजिंग कहता है जब तक सारे ड्रिंक्स खत्म नहीं करते तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। लूजिंग हंसते हुए वहाँ से बाहर जाता है और जाते जाते बिल पे करके जाने को कहता है। इधर मिंगजिया ये सारा सीन देखती है और सोचती है लूजिंग इतना बुरा भी नहीं है। क्रेम मिंगजिया को कॉल करता है पर कनेक्ट नहीं कर पाता और बहुत वरी होता है और अपने आदमी को मिंगजिया की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है और वहां पहुंच जाता है जहां वो दोनों थे। लूजिंग पूछता है ये कौन है। मिंगजिया कहती है वो उसका भाई है। क्रे कहता है इसने आज घर पर कॉल नहीं किया तो इसकी चिंता होने लगी थी इसलिए उसको देखने यहाँ पर आ गया, और कहता है क्या मैं उसके साथ कुछ मिनट बात कर सकता हूँ। लूजिंग क्रे के करीब आता है। दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आते हैं। फिर लूजिंग कहता है सिर्फ एक मिनट, तुम्हारे पास एक मिनट है, जो भी बात करनी है एक मिनट में कर लो। फिर वो दोनों बात करने के लिए दूर चले जाते हैं और वो कल रात को 9 PM को रेडी रहने को बोलता है। उन्हें उसके न्यू मिशन को अंजाम देना है। दूर खड़ा लूजिंग इन दोनों को ही देखता रहता है। उसका आदमी उसकी बातें सुनने को कहता है पर लूजिंग मना कर देता है। दूसरे सीन में लूजिंग अपना काम कर रहा था। मिंगजिया को अपने प्लान के अनुसार लूजिंग को बाहर लेके जाना था। फिर वो एक इयररिंग पहनती है और पूछती है वो कैसी लग रही है। लूजिंग बिना देखे ही कहता है अच्छी लग रही है। इसके बाद मिंगजिया अपने रिंग खोने का बहाना करती है। लूजिंग फौरन अपने आदमी को कॉल करके न्यू डिजाइन की सारी रिंग लाने को कहता है। यहाँ मिंगजिया का लूजिंग को बाहर ले जाने का प्लान फेल हो जाता है। फिर वो कहती है उसका बाहर कुछ गुम हो गया है, वो बाहर जाना चाहती है, तो लूजिंग कहता है वो भी उसके साथ जाएगा। मिंगजिया को यही चाहिए था, वो जानती थी लूजिंग उसको अकेले नहीं जाने देगा। मिंगजिया कहती है पूछोगे नहीं क्या गुम हुआ है। लूजिंग कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों बाहर जाते हैं। मिंगजिया सच में कुछ खो गया है ऐसी एक्टिंग करती है। उसी वक्त लूजिंग को इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो कॉल पर बात करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। दूसरी तरफ मिंगजिया कहती है जब कुछ गुम ही नहीं हुआ तो मैं क्या खोज रही हूँ। पीछे से कोई मिंगजिया के माथे पर डंडा मारता है और बेहोश कर देता है। लूजिंग ये देखकर उसके पास दौड़ कर आता है और उसको उठाने लगता है, पर पीछे से उसको भी कोई डंडा मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी साइड लूजिंग की एक्स गर्लफ्रेंड सी को भी ये लोग बेहोश करके पकड़ लेते हैं। सी को बेहोशी के हालत में लूजिंग के गोद में सुला देते हैं और लूजिंग के शर्ट के बटन खोल देते हैं। लूजिंग को होश आता है और सोचता है सी यहाँ क्या कर रही है। तभी वो गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं और लूजिंग को डंडे से मारने लगते है। दूसरी तरफ मिंगजिया को अलग से बंद किया था, उसको भी होश आ जाता है और वो सोचती है वो तो लूजिंग के साथ थी, यहाँ पर क्या कर रही है और लूजिंग कहाँ पर है। लूजिंग की काफी पिटाई होने के बाद मिंगजिया को लूजिंग के सामने लाया जाता है। मिंगजिया कहती है जाने दो मुझे। मिंगजिया को इस हालत में देखकर अपने हीरो को गुस्सा आता है और गुंडों से कहता है अगर
तुमने हाथ भी लगाने की हिम्मत करी तो अच्छा नहीं होगा। मिंगजिया अपने हाथ को छुड़ा लेती है और लुजिंग के पास चली जाती है। लुजिंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लुजिंग अपना सिर हिलाता है। मिंगजिया कहती है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने टफ हो। लुजिंग कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मिंगजिया कहती है हाँ, और पूछती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? लुजिंग बिना सोचे ही हाँ बोल देता है। गुंडे अटैक करते हैं, मिंगजिया रोक लेती है। थोड़ी फाइट के बाद लुजिंग का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और अपने साथ ले जाती है। लुजिंग को अपने चाइल्डहुड की याद आती है, कैसे चाइल्डहुड में वो दोनों की मुलाकात हुई थी, और अपने आप से ही पूछता है, क्या मिंगजिया तुम ही वो लड़की हो? फिर कहता है, हाँ वो तुम ही हो। आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।